4.5 मोर इक्वेशंस। अभी देखो प्रीवियसली हमने 4.2 तक खत्म कर दिया था कल, एक्सरसाइज 4.2। अब उससे आगे बढ़ते अभी हमको क्या दिया है कि 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 25। अब सिंपल चीज बता देता हूँ, सॉल्व द इक्वेशंस। फिर से वही बात, कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने का पूछे उसका मीनिंग जो इक्वेशन में जो आपको कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मैंने बोला था कि एक काम करना कि पी के साथ में जो भी एड या तो सब्सट्रैक्ट किया हुआ हो ना उसको रिमूव कर देना। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, माइनस फाइव दिया है, तो माइनस फाइव को हमको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस फाइव कैसे रिमूव होंगे कि जब माइनस फाइव के साथ में प्लस फाइव आएगा तो माइनस फाइव प्लस फाइव दोनों जीरो हो जाएगा। तो दोनों साइड क्या करो, प्लस फाइव का ऐड करो, क्या करो दोनों साइड प्लस फाइव ऐड करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 12p माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू बीच में 25 प्लस 5। तो दोनों साइड कर दिया तो ये 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30, और ये 5 गया। तो 12p इज इक्वल टू 30 आ गया, कितना आया आंसर, 12p इज इक्वल टू 30। अब देखो क्या फाइंड करना है हमको, हमको क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू तो पहले फाइंड करो कि पी के साथ में कुछ ऐड हुआ है कि सब्सट्रैक्ट हुआ है, वो तो हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अब पी के साथ में कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई को दूर करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई को दूर करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई को दूर करने के लिए क्या करो, जितना देखो ऐड को दूर करने के लिए क्या किया था हमने, सब्सट्रैक्ट किया था ना, वैसे ही जितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना उतने से ही डिवाइड कर दो। क्या, जितने से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड उतने से डिवाइड कर दो। तो 12p इज इक्वल टू 30 था, 12p इज इक्वल टू 30 था। तो क्या करो, दोनों साइड 12 का डिवीजन कर दो। तो यहाँ पे देखो 12p के नीचे भी 12 और 30 के नीचे भी 12, तो ये 12 कैंसल। तो p इज इक्वल टू कितना आया, 30 डिवाइडेड बाय 12, कितना आया आंसर, 30 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो ये आपका आंसर हो गया 30 डिवाइडेड बाय 12, बट जितने तक आप काट सकते हो वो तो काटना पड़ेगा। तो 30 को आप 6 से काट सकते हो और 12 को भी 6 से काट सकते हो। तो 30 का 5 6 30 और 2 6 12, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, बाकी सब कैंसल हो जाएगा। फिर से मोर इक्वेशन में क्या है, पहले तो हमने सिर्फ ऐड की बात की थी, अब ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो है 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 25 दिया है। तो क्या करो, पहले तो ये जो भी हमको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट के पास में जो भी ऐड किया है या तो जो भी सब्सट्रैक्ट किया है उसको दूर करना पड़ेगा। तो ये माइनस फाइव था तो माइनस फाइव को दूर करने के लिए क्या करेंगे, प्लस फाइव, माइनस फाइव को दूर, दोनों साइड हमने क्या किया, प्लस फाइव तो 12p इज इक्वल टू 13, दोनों साइड में यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में था तो 12 से हमने डिवाइड भी किया दोनों साइड पे, तो ये आया 5/2। एक आंसर मैं अपनी बुक से करवा देता हूँ तो आपका सब कुछ टोटली क्लियर हो जाए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है 4m + 3 इज इक्वल टू 18। 4 है, m प्लस 3 जो है वो ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू आंसर कितना दिया है आपको, 18 दिया है। अभी सॉल्व, फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आपको बोले सॉल्व करो मीन्स उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अभी देखो आप, मैंने क्या ऐसा बोला था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हो ना उसको पहले दूर करो, लेकिन उसको 3 से दूर करोगे लेकिन 3 के साथ में पहले 4 मल्टीप्लाई हुआ, पहले से हुआ है 4, यहाँ से एम से भी मल्टीप्लाई में है, 3 से मल्टीप्लाई में, तो ये 4 का पहला कुछ करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों साइड पे क्या करो, दोनों साइड पे 4 का डिवीजन कर दो, क्या करो दोनों साइड के 4 का डिवीजन कर दो। तो ये 4 कट जाएगा तो ये 8 और 4, तो ये 2 से 2 और ये 9, आंसर आया क्या, m प्लस 3 इज इक्वल टू आया 9/2, क्या आया 9/2। अब देखो m के साथ में प्लस 3 है तो दोनों साइड उसका ऑपोजिट ऐड करो, तो 3 का ऑपोजिट माइनस 3, तो 9/2 माइनस 3, दोनों साइड प्लस 3 है तो प्लस 3 के साथ में माइनस 3 ऐड किया, दोनों साइड
तो ये 3 और ये भी 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसल, तो m इज इक्वल टू कितना आया, 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो 9 बाय 2 माइनस 3। अब ये 2 नीचे है तो एलसीएम आएगा, तो 9 एलसीएम 2, ये 2 एलसीएम आएगा तो 3 का क्या हो जाएगा 6, 3 का क्या हो जाएगा 6, और m का आंसर आ जाएगा 3/2। तो m का आंसर कितना आया 3/2। यही एक दूसरा एक एग्जांपल दिया है उसकी भी बात कर लेते हैं ओरली हम। -2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अगेन मैंने बोला था एडिशन सब्सट्रैक्शन के पास में जो है उसको पहले दूर करो, लेकिन ये 3 के साथ में 2 मल्टीप्लाई हुआ है पहले से, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 का 2 की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, हमको पता है मल्टीप्लीकेशन को दूर करना है, तो क्या करो कि दोनों साइड जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, दोनों साइड उससे डिवाइड कर दो। तो ये -2 जो है तो दोनों साइड वी डिवाइड बोथ साइड, किससे डिवाइड करेंगे बाय -2, किससे डिवाइड करेंगे -2, तो यहाँ पे भी -2 नीचे रखो, यहाँ पे भी -2 नीचे रखो, तो -2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 3 ये 8 था, 8 को हमने किससे डिवाइड किया -2, तो 8 डिवाइडेड माइनस टू, तो 8 डिवाइडेड माइनस 2, तो 2 का 4 से कटेगा, तो x प्लस 3 तो वैसे का वैसा 2 4 था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -4। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आया -4, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -4, तो सामने जाएगा तो ये -4 है। ओके देखो इसको हम सामने भेजेंगे तो भी सही है, नहीं तो हम हमारी मेथड से चलते हैं कि अभी x प्लस 3 इज इक्वल टू -4 आया, तो क्या करो 3 को लेफ्ट साइड भी सब्सट्रैक्ट करो और 3 को राइट साइड भी सब्सट्रैक्ट करो, तो x प्लस 3 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड तो सिर्फ x से बचेगा, यहाँ पे -4 है तो -4 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा -7। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 कंप्लीट, तो 4.5 टॉपिक कंप्लीट।